नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ नगर के विकास भवन के पास करोड़ों की लागत से बन रहे हरियोग कला भवन के सामने जर्जर स्थिति में बने भवन को प्रशासन ने शनिवार को गिरा दिया। इसके साथ ही कुछ लोगों द्वारा वहां बने जर्जर मकानों में गोदाम स्वामिकों को दो दिनों के अंदर भवन को खाली करने का निर्देश प्रशासन ने दिया। हरियोग कला भवन का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था CNDS ने पत्र लिखकर निर्माण कराने में आ रही दिक्कतों के बारे में प्रशासन को जहाँ अवगत कराया, वहीं जर्जर भवनों को गिराने के दौरान पुलिस बल की मांग की थी, जिसके बाद शनिवार को SDM गौरव कुमार, CO नगर राजेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस बल हरियोग कला भवन पहुंचा। इस दौरान कई जर्जर भवनों को गिरा दिया गया। वहीं कुछ भवनों में पहले से गोदाम बनाकर सामानों को रखने के मामले में भवन स्वामियों को दो दिनों के अंदर सामान हटाने के निर्देश दिए गए। SDM गौरव कुमार ने बताया कि CNDS के पत्र के बाद आज जर्जर भवनों को गिराया जा रहा है व गोदाम स्वामियों को सामान हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस स्थान पर हरियोत कला भवन का वाहन स्टैंड बनना प्रस्तावित है। देखिए, नगर पालिका द्वारा नहीं है, ये CNDS द्वारा जो हरियोत कला केंद्र का निर्माण करवाया गया है, तो इसमें प्रमुख सचिव महोदय द्वारा जो निरीक्षण किया गया था उसके क्रम में उन्हें निर्देश दिए गए थे कि जो भी इनकी जमीन पर अतिक्रमण कह लीजिए या फिर जो कंडेम बिल्डिंग खड़ी है उनको गिरवाए जाने के आदेश दिए थे। तो उसी के क्रम में CNDS ने पत्र के माध्यम से पुलिस और प्रशासन से मांग की थी कि पुलिस बल की रहे यहाँ पर ताकि अतिक्रमण में हटाने में कोई बाधा ना आए, तो उसी के लिए यहाँ पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट मौजूद है ताकि शांति व्यवस्था यहाँ बनी रहे। सर, अवैध रूप से कब्जे भी थे जिसको हटाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता पड़ी, किस तरीके से नहीं? देखिए, इसमें जो है हरियोत कला केंद्र का जो फ्रंट पोर्शन है जहाँ पर पार्किंग बनाई जानी है, तो उसमें अभी क्योंकि ये पिछले एरिया में काम कर रहे थे वहाँ से तो हटवा दिया गया था, तो अभी इनको आगे पार्किंग डेवलप करनी है, तो वहाँ पर कुछ लोग पुराने टाइम से कुछ लोग जो थे उनको कह दिया गया है वो हट गए हैं। तो कंडेम बिल्डिंग्स हैं, इससे जनहानि भी होने की आशंका है, तो इस क्रम में CNDS का पत्र आया था उसी क्रम में यहाँ पर शांति व्यवस्था की दृष्टिगत हटवाया जा रहा है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।